नमस्कार, आज हम आपको फिर से एक इनोवा हाई क्रॉस गाड़ी दिखाने वाले हैं। ये भी फुल मॉडिफिकेशन होने वाला है, तो हम एक बार फ्रंट से आपको एक बार लुक चेक कराऊं, क्योंकि काम करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें हम क्या क्या करेंगे। तो ये DRL का जो है ये पैनल पूरा पियानो फिनिश करने वाले हैं। ऑलरेडी ये ब्लैक कलर की गाड़ी है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसमें भी हम प्रोजेक्टर अपडेट करने वाले हैं। प्रोजेक्टर फोग लाइट ऑलरेडी कंपनी से लगा के दिया है, पर इसकी रोशनी उतना है नहीं, है ना, तो हम अपडेट करेंगे। और हेडलाइट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम प्रोजेक्टर को अपडेट करेंगे। साइड प्रोफाइल से बात करें तो यहाँ पे ये मड फ्लैप लगाएंगे, क्योंकि ये टायर जो है ना LIB थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगा हुआ है इसमें, तो इसमें मड फ्लैप भी लगाएंगे और ये फुटरेस्ट भी लगेगा। बात करें डोर वाइजर की, तो इसमें रेन वाइजर भी लगाएंगे और ऊपर का रूफ रेल भी लगेगा। अंदर से एक बार इंटीरियर चेक कराऊँ आपको, तो यहाँ पे अभी देखेंगे अभी पूरा कुछ भी काम नहीं हुआ है इसमें, जैसे सीट कवर फिटिंग होगा, डोर डैम्पिंग होगा, म्यूजिक सिस्टम लगेगा, बहुत सारा चीज इसमें लगने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिए, जैसे लगेगा लगाते हुए भी और पूरा फाइनल वीडियो भी हम आपको देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे डबल लेयर में ये डैम्पिंग किया गया है यहाँ पे, और ये पूरा फ्लोर में डैम्पिंग किया गया है। डैम्पिंग अभी जो बीच का जगह दिख रहा है इसमें भी होगा, ये नट का जगह ये बचा के इसमें भी डैम्पिंग होगा, और ये रोलर से इसको बैठाया जाता है। सीट कवर की बात करें तो सीट कवर यहाँ पे ये देखेंगे हीट गन से और ये प्लास्टिक लगा के प्रॉपर फिटिंग किया जा रहा है। सीट कवर देख सकते हैं, बहुत प्रीमियम तरीके से इसका फिटमेंट निकल के आ रहा है। और एक बार पूरा गाड़ी फाइनल होता है, दिखाता हूँ कि कैसे हम इस गाड़ी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों, बैक साइड से कनेक्टिंग टेल लाइट फिटिंग होने के बाद कुछ ऐसा लुक निकल के आता है, जो कि आप देख सकते हैं। और मैं एक बार लेके चलूं तो ये ज़मीन पे जो देखेंगे ना आपको, यहाँ पे ये एक तो एलाई व्हील है, यहाँ पे आपको शेडो लाइट मिल जाता है। देखेंगे इनोवा हाई क्रॉस प्रॉपर लिखा हुआ मिलता है, यहाँ पे आपको वेलकम लाइट इनोवा हाई क्रॉस लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे ये देखिए, मतलब काम जो है ना नेक्स्ट लेवल का किया गया है इस हाई क्रॉस में, क्योंकि इसमें मिला है हमें टाइम। और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टर लाइट, ये कर दिया है पूरी गाड़ी की एक जो है सेटिस्फेक्शन। इतनी बड़ी गाड़ी के लिए इतना बड़ा रोशनी एक अपने आप में बहुत है। और ये काम किया है ये शॉनमोन कार एसएससी, देखेंगे तो वहाँ पे हाई क्रॉस का भी आपको बोर्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि जो इनोवा हाई क्रॉस जो हम तैयार कर रहे थे, इसमें हमें कम से कम 2 दिन लगा है, तो इसको हम पूरा कम्प्लीट कर दिए हैं। तो एक बार मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखेंगे ये डैम्पिंग जो है ये 3mm का है पूरा, और ये सिंगल है, ये मोरल का लगाया गया, मोरल ब्रांड में, और ये सिंगल में पूरा किया गया। और बात करें यहाँ पे तो ये DRL आप देख सकते हैं, ये DRL इसमें फुल पियानो फिनिश करके इसमें फिटिंग किया है। फिटिंग इसका 0 to 0 आता है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रोजेक्टर लाइट भी ओरिजिनल फ्रेम के साथ इसको फिटिंग किया गया है। आइए एक बार साइड प्रोफाइल से बात करें तो ये LIB का जो डिजाइन है ना, जो लुकिंग है ना, कुछ ऐसा निकल के आता है इस इनोवा हाई क्रॉस का। साइड प्रोफाइल से बात करें तो मैं एक बार दिखाऊं आपको, साइड से बात करूं तो यहाँ पे रेन वाइजर जो है बिल्कुल प्लेन में ब्लैक में ही फिटिंग किया गया है। रूफ रेल की बात करूं तो इसमें रूफ रेल भी इसमें किया गया है। आप आएंगे बैक साइड, तो मैं बैक साइड से दिखाने का प्रयास करूँ तो देखेंगे ये कनेक्टिंग टेल लाइट का जो लुक है ना, अपने आप में जबरदस्त लुक निकल के आता है। रिफ्लेक्टर लाइट भी इसमें फिटिंग किया गया है, ये इंडिकेटर पे जलता है, ये कैसा होता है मैं एक बार वो भी चालू करके आपको दिखाऊंगा। एक बार आप अंदर आ जाइए तो जैसे कि इसमें ना फुल डैम्पिंग किया गया है, वो तो मैं वीडियो में दिखाया हूँ, डोर भी डैम्पिंग हुआ है, फ्लोर भी डैम्पिंग हुआ है, क्वार्टर पैनल भी डैम्पिंग हुआ है, डिक्की भी डैम्पिंग हुआ है। और इसमें ना स्पीकर भी लगाए गए हैं, कॉम्पोनेंट भी लगाए गए हैं। और सबसे प्यारा चीज देखेंगे तो यहाँ पे ये शेडो लाइट जो है प्रॉपर हाई क्रॉस, दिन का टाइम है इसलिए थोड़ा कम दिखेगा आपको। और ये पियानो फिनिश, यहाँ पे इसको पियानो फिनिश भी किया है। और एम्बियन लाइट की बात करूँ तो एम्बियन लाइट इसमें 18 पीस इसमें लगे हैं, जहाँ जैसे मैं बताऊँ दरवाजे में भी लगे हैं, है ना, आपका वहाँ पे पैर के नीचे लग जाता है, ये बोतल होल्डर में लग जाता है। तो एम्बियन लाइट कुछ ऐसा है, फिटमेंट जो है इसका 0 to 0 आता है एम्बियन लाइट का। बात करूँ वेलकम प्लेट की, तो वेलकम प्लेट का फिटिंग कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। और इसमें मैट जो है ना, मैट GFX का बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आता है। मैं उस साइड से आके और भी चीजें दिखाता हूँ आपको, यहीं पर रुकिए। देखेंगे यहाँ पे सीट कवर जो है 0 to 0 बकेट फिटिंग किया गया है, और ये सिंगल परफोरेटेड में आप इसका फिटिंग देखेंगे, कहीं से आपको व्रिंकल नहीं मिलेगा। और ये हमारा सबसे प्रीमियम सेगमेंट का ये सीट कवर है, तो ये प्रॉपर ब्राउन कलर में जो इंटीरियर से पूरा मैच करता है,
और ये जो आर्मरेस्ट है ना यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच बना के दिया जाता है। तो लुकिंग कुछ ऐसा निकल के आया है। और दरवाजे यहाँ पे देखेंगे तो ये भी जबरदस्त फिटिंग है सीट कवर में। सेकंड रॉ की बात करें तो सेकंड रॉ का भी फिटिंग प्रॉपर 0 to 0 आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। थर्ड रॉ भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटिंग होता है। एक बार मैं आपको बैक साइड से डिक्की खोल के दिखाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो आपको मेरा जो सीट कवर का ब्रांड का जो लोगो है ना आपको 100% मिलने वाला है। इसकी बहुत वैल्यू है क्योंकि ब्रांड में ना एक अपने आप में काफी अच्छा चीज होता है। आइए जैसे इसमें मैं बात करूं तो ये सोनी का एक्सप्लोर 1800 वाट का बूफर लगा है और स्पीकर लगा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये ओंक्यो का ये 4 चैनल जो है ना 6 चैनल एम्पलीफायर इसमें डाला गया है और ये स्पीकर जो है अपना ये वाला 2 सेट इसमें डाला गया है। तो कुछ इस हिसाब से ये गाड़ी को फाइनली कंप्लीट किया गया है। ठीक है तो ये सारा काम जो है ना ये सारा काम सोनमोन कार एसेसरीज पे हुआ है। मैं अपना नंबर बता देता हूँ 9911-766-958। नंबर रिपीट कर देता हूँ 9911-766-958। आप कभी भी व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।